हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीकू ये इश्क न जाए के बारे में, जो कि स्टार प्लस का शो है। तो गाइज, ये तो आप सभी को पता ही है अब तक कि ये शो ऑफ एयर जाने वाला है बहुत जल्द। 19 मार्च को इसका लास्ट एपिसोड जो है वो आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। अब इसके फैंस के लिए कुछ न्यूज़ जो है वो ये है कि गाइज, जो शो का शूट है वो रैप अप हो चुका है रिसेंटली। अभी कल ही जो शो की शूटिंग है वो पूरी तरह से फिनिश हो गई है। लास्ट एपिसोड का जो भी सामान था, जो भी उन्होंने सब कुछ शूट कर लिया है और प्रॉपर रैप अप हो चुका है चीकू की मम्मी दूर की का, या फिर चीकू इश्क न जाए जो भी आप कहें। तो इस शो का रैप अप पूरा हो चुका है और 19 मार्च को आपको इसका लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। बाकी ओरिजिनली ये शो दिसंबर में ऑफ एयर जाने वाला था, लेकिन इसको एक्सटेंशन मिली। स्टार प्लस ने काफ़ी टाइम दिया कि TRP बढ़ जाए, लेकिन स्टिल शो की TRP जो है वो नहीं बढ़ी। जो इसकी टाइम स्लॉट थी वो काफ़ी अर्ली थी, इस करके शो की TRP ना आ पाई। और मेकर्स की काफ़ी कोशिशों के बाद भी, जैसे कि लीप लाए, नए एक्टर्स लाए, स्टोरी पूरी तरह से रीवैम्प करी, स्टिल जो शो की TRP है वो बढ़ नहीं पाई। तो शो के ऑफर जाना ही एक अकेला स्टार प्लस के पास जो है चांस बचता था, एक ऑप्शन बचता था, तो शो को ऑफर किया गया है। अगर आपको रीज़न नहीं पता था तो ये रहा शो के ऑफर जाने का रीज़न। और शो रैप अप भी हो चुका है। कमेंट्स में बताइएगा आप शो को मिस करेंगे या फिर नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चीकू के फैंस के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट स्टार प्लस की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल टॉलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ, आप मेरे किसी भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।